जिसकी कोई लाज नहीं है, इसलिए मुस्लिम भाई इसको अल्लाह कहते हैं। तो पूर्ण है वो जो दूरा के दूर है, पूर्ण है ये जो शहर से भी ज्यादा करीब है, हमारे दिल में स्पंदन पैदा कर रहा है। पूर्ण है वो, पूर्ण है ये, पूर्ण से निष्पन्न होता पूर्ण है, और पूर्ण में से पूर्ण को यदि ले निकाल शेष तब भी पूर्ण ही रहता सदा। ये है परमात्मा का गणित। सासंगत जी, खासकर जब कभी निरंकारी मिशन के समागम में जाता है तो खास हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लोगों को जहां तक ये आवाजें जा रही हैं मुखातिब करता है अपनी तरफ कि आओ ऐ ईमान वालों, ये अल्लाह वालों की जमात है। जो इस सरकारी मिशन का इस्तेमाल हो रहा है, यहां खालिस इस्लाम का झंडा फहराया जाता है। इस्लाम है क्या? हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए चार लाइनें एक खासार पहले पेश करके फिर अपनी बात को आगे बढ़ाएगा। मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, अरे दुश्मन भी देख के हैरान हो गए। मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, दुश्मन भी देख के हैरान हो गए। रखा जब मेरे नबी ने दुनिया में कदम, अरे पत्थर भी कलमा पढ़ के मुसलमान, पत्थर भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। शासक जी जिस वक्त दौरान हुजूर नबी अकरम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए अरब में, बड़ी ज़हालत थी, लोग पढ़े लिखे नहीं थे, जुआ खेलते थे, जिना करते थे, एक दूसरे को मार डालते थे, घर में लड़की पैदा होती थी, पैदा होती उसका गला मरोड़ देते थे, ऐसे हालात थे। जहां काबा शरीफ है लोग हज करने जाते हैं, वहां 365 बुत रखे थे, लोग बुत परस्ती करते थे। ऐसे वक्त के दौरान हमारे रसूलुल्लाह नबी अकरम सरवर दो आलम तशरीफ लाए, किसी शख्स ने उनसे ये मुखातिब होकर के कहा, मेरे आका हमें आप ये बताइए इस्लाम क्या है, अगर कोई पूछे इस्लाम के बारे में तो हम क्या उसको जवाब देंगे। तो हुजूर ने बड़े मुख्तसर लफ्जों में जो जवाब दिया था, उस जवाब को हम आपके सामने रख रहे हैं हूबहू उन्हीं लफ्जों को। अगर कोई पूछे इस्लाम क्या है तो कह देना यह है पैगाम मोहब्बत, यह है पैगाम मोहब्बत, और इस पैगाम को जहां तक पहुंचे उसको पहुंचाया जाए। तो आज दास फख्र के साथ कहता है, जिस पैगाम में मोहब्बत को लेकर के हुजूर दुनिया में आए थे, जिस्म करके चले गए, लेकिन काम को इस अल्लाह ने जारी रखा है, और उसी मोहब्बत के पैगाम को बढ़ाने के लिए निरंकारी बाबा दुनिया में आया। तो ईमान वालों को दास यहां इसीलिए मुंतखिब करना चाहता है कि आओ देखो इस वक्त दौरान असली इस्लाम क्या है, इसकी पैरवी कैसे की जा रही है, इस मिशन को के माध्यम से इस्लाम का झंडा निरंकारी बाबा फहरा रहा है। तो अपने निरंकारी बाबा का परिचय कराते हैं मुस्लिम भाइयों, इसकी शक्ल सूरत पर बच जाइएगा, पगड़ी बांधे आप सरदार समझ करके कहीं दूर भाग जाएं, ऐसा ना कीजिएगा। इसका असली परिचय क्या है? हर आने वाले बशर को वहदानियत और तौहीद का पुख्ता हामी बना देते हैं। हर आने वाले बशर को वहदानियत और तौहीद का पुख्ता हामी बना देते हैं, और खुद ही को खुदा का खादिम बना देते हैं, खुद ही को खुदा का खादिम बना देते हैं, और मुसल्लम की पहचान कराते हुए इनकी अमान में लाकर पक्का मुसलमान बना देते हैं, और ना खुदा की इबादत से बचाकर दुनिया अज्ञानता में अंधेरे में खुदा को नहीं पूजती, खुदा की बनाई चीजों को पूज रही है। तो उन अज्ञानी लोगों को, अपने भाइयों को बड़े प्यार से, बड़े खुलूस से, बड़ी मोहब्बत से आज निरंकारी बाबा संदेश दे रहा है, और इस अल्लाह इस निरंकार से जोड़ रहा है और कुछ नहीं कर रहा। तो ना खुदा की इबादत से बचाकर हटाकर नहीं, जोर जबरदस्ती नहीं करता, खुलूस और मोहब्बत जा खुदा की इबादत से बचाकर खुदा का शैदाई बना लेता है। सासंगत जी, अब हम आ रहे हैं कुरान शरीफ की सूरह नंबर 2 सूरह अल बकर आयत नंबर 115 के अंदर अल्लाह फरमा रहा है कि अल्लाह का ही पूरब है, अल्लाह ही का पश्चिम,
अल्लाह ही का उत्तर है, अल्लाह ही का दक्षिण। जिधर की तरफ तुम मुंह करके खड़े होगे उधर अल्लाह का सामना पाओगे। ये कुरान बता रही है। इस ज्ञान को लेने के बाद मिला ली सूरह नंबर 11 सूरह हुदीद आयत नंबर 61 अल्लाह फरमा रहा है इन रब्बी करीब मुजीब। ऐ नबी लोग मेरे बारे में पूछे तो बता देना उनको मैं बहुत ही पास हूं और हर एक की दुआ को कबूल फरमाता हूं। सूरह नंबर 17 सूरह बनी इज़राइल आयत नंबर 60 वहां भी आया यही कि ऐ नबी ये लोग जो तुमसे झगड़ रहे हैं लड़ रहे हैं इनसे कह दो तुम्हारा अल्लाह तुमको चारों तरफ से घेरे हुए है आता बनाए हुए है। कुरान पाक कह रही है इन रब्बक आहत बिन्नास अरबी में आया है इन रब्बक आहत बिन्नास। शासकगण जी हम आपको लिए चल रहे हैं सूरह नंबर 3 सूरह आले इमरान आयत नंबर 64 के अंदर अल्लाह सुब्हान व तआला अपने महबूब नबी अकरम सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके कहते हैं ऐ नबी इन लोगों से कह दो ऐ अहले किताब वालों तुम आओ उस फैसले कुन बात की तरह आओ जो हमारे तुम्हारे में एक सा है। कौन सी बात एक सा है? वेद कहता है एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति नेना नास्तिमुचन ब्रह्म एक है दूसरा नहीं है बिल्कुल नहीं। बाइबल कहती है गॉड इज वन। कुरान कहती है खुदा वाहिद है ला शरीक। तो यहां हमारा पीर केवल इस निराकार एक परमात्मा की तरफ बुला रहा है। हमारा स्लोगन है भैया एक को जानो एक को मानो। ऐ दुनिया के इंसानों मुख्तलिफ मजहबों में रहते हुए मुख्तलिफ खान पान अपना अपनाते हुए मुख्तलिफ पूजा पाठ के तरीकों को अपने ढंग से अपनाते हुए उसमें कोई रद्दो बदल मेरे कार्य मिशन नहीं करता। इस एक रब को जानो इस एक परमात्मा को पहचान लो जिसकी हम इबादत करते हैं जिसकी हम पूजा करते हैं। तो शासक जी और एक जगह सूरह नंबर 2 अल बकर की आयत नंबर 256 में साफ तौर पे अल्लाह फरमा रहा है कि दीन में कोई जबरदस्ती का स्थान है ही नहीं। ला इकराह फिर दीन अगर कोई किसी का धर्म बदल रहा है तो वो पाप कर रहा है कुफ्र कर रहा है। हम नहीं कह रहे कुरान पाक कह रहे। इसीलिए हमारा पीर हमारा गुरु किसी का मजहब नहीं बदलता किसी की शरीयत किसी का पाठ पूजा पाठ करने का तरीका नहीं बदलता केवल सोच बदल देता है और सोच बदल करके एक अनन्य भाव हिंदू भाई कहते हैं अनन्य भक्ति सिखाता है। जिसका कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं है कोई पूजा के लायक सिवा अल्लाह। दास को जब सुनते हैं तो मुसलमान भाई अक्सर कह देते हैं पंडित जी आप हमारे दीन में तो बहुत मसाले हासिल किए हैं अब देर क्या है कलमा पढ़ लीजिए कलमा पढ़ लीजिए। तो हम कहते हैं जनाब आप कलमा पढ़ने की बात करते हैं हमें तो ऐसा पीर मिला है जो कलमे का इंजेक्शन लगाता है पढ़ाना जाने दीजिए कलमे का इंजेक्शन लगा देता हमारे खून की रवानगी में कलमा चल रहा है श्वास में कलमा चल रहा है ऐसा पीर मिला है हमें। ऐ मुस्लिम भाइयों आओ अंत में खातिम अपनी एक हम्द को बगैर तरन्नुम के कह के अपनी बात खत्म करेगा। कुरान में लिखा है अल्लाह बहुत बड़ा है अगर पीर मिले कामिल तो ये रूबरू खड़ा है अगर पीर मिले कामिल तो ये रूबरू खड़ा है। दुनिया है सारी फानी केवल यही पका है अरे पहचान रब की करना सबसे बड़ी नफा है। तो जिक्रे खुदा है लेकिन खौफे खुदा नहीं है और रहता है साथ सबके फिर भी पिता नहीं रहता है साथ सबके फिर भी पता नहीं है। तो नाफहमी दूर कर लो ईमान हक मिलाकर ये हक है हक अल्लाह नाफहमी दूर कर लो ईमान हक मिलाकर मंजिल को अपनी पालो मुर्शिद के दर पर आकर। तो है बेनकाब मालूम हमारे खवातीन हम मुस्लिम भाइयों के यहाँ खवातीन यानी औरतें बुरका नशीन रहती हैं अपने को पर्दे में रखती हैं लेकिन ये अल्लाह पर्दे में नहीं है हम पर्दे में हमारी आंखों में पर्दा पड़ा है उस पर्दे को ये हमारा पीर हटाता है। तो ना तो है बेनकाब मालिक पर्दा नहीं पड़ा है अरे जागे नसीब उसके मायूस जो खड़ा है जो मायूस हो गया है वो निरंकारी बाबा की तरफ आ जाए जिंदगी बहारों में आ जाएगी उसकी प्यार से कहिए दूर।